अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है शाजी और आप मेरे चैनल देख रहे हैं टेक्निकल शाजी। तो फ्रेंड कहते हैं आप लोग सब खैरियत से हैं। तो फ्रेंड बात करेंगे यासर 52.53.2 की। तो पूरी की पूरी जो है सैटेलाइट जो है यहाँ से ऑफ हो गई थी अक्सर का जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है, मगर अब स्टेबल हो गई है। तमाम चैनल जो है टीपीएस जो है वर्क कर रही हैं, यासर 52 के ऊपर आप देख सकते हैं बाकायदा वर्किंग में है। तो बताने वीडियो बनाने मकसद ये है कि इस तरह का प्रॉब्लम क्यों होता है। देखिए, इस तरह के प्रॉब्लम उस वक्त आता है कि जब आप किसी सैटेलाइट के मेंटेनेंस वर्क हो रहा हो, मतलब आप देखें सैटेलाइट है जैसे पाकसैट की 38 जो है वो पाकिस्तान के सैटेलाइट है, तो मुख्तलिफ ममालिक की जो है वो सैटेलाइट होती हैं। जैसे अब अरब ममालिक की, अब जैसे यासर 52 है तो ये मिडिल ईस्ट की सैटेलाइट है। आपने देखा होगा कि इंग्लिश वगैरह जब भी इसके ऊपर आप मूवीज़ देखते हैं तो उसके ऊपर सबटाइटल जो है ये इंग्लिश में लिखा आ रहा होता है नीचे, मतलब सॉरी अरबी में लिखा आ रहा होता है इंग्लिश मूवीज़ के ऊपर। तो जब भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो यही होता है कि जनाब कोई इशू होता है, मतलब कोई मेंटेनेंस सैटेलाइट मेंटेनेंस की वजह से जो है वो चैनल वर्क नहीं कर रहा होता। जिस तरह पूरी की पूरी ये 52 शट डाउन हो गई थी, कोई इसकी टीपी वर्क नहीं कर रही थी, तो कोई मेंटेनेंस का वर्क वगैरह चल रहा होगा जिसकी वजह से जो है 52 के चैनल बंद हो गए थे। मगर खैर अब जो है तमाम के तमाम चैनल जो है वर्किंग है, आप इनको देख सकते हैं जनाब 52 के ऊपर जो है या सेट जो है मुकम्मल तौर से चल रहा है। मैंने अभी देखा तो पूरे के पूरे चैनल जो है वो वर्किंग में है। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो, देखते रहिए टेक्निकल शाजी। और आपके लिए डूम भी मौजूद है जनाब और 5G IPTV भी आपके लिए मौजूद है, तो इन नंबर्स पे रब्ता करके जनाब आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। और फिलहाल तो गुड न्यूज़ ये है कि अगर आपने यासर 52 लगाया हुआ है तो आप उसको एंजॉय करें जी, मुकम्मल चैनल लिस्ट जो है उसके ऊपर आ गई है। देखते रहिए टेक्निकल शाजी, इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।